Nadia ke morning show pe hai, which is morning at home. At only on PTV home. Yes. Thank you for inviting us, Nadia. कैसा एक्सपीरियंस हम सब ब्लॉगर्स मैगजीन वालों से बात करके आपका बहुत अच्छा लगा और लोगों को भी नज़र आया कि जो वो पढ़ रहे होते हैं रिव्यूज़ एंड ऑल उसके पीछे कौन से लोग तरह के वो बिकते हैं क्योंकि ब्लॉगर्स का जहन में कोई इमेज भी तो होना कि वो नॉर्मल लोग हैं या वो कोई कोई खलाई मखलूक है जो ऐसे सारा लिख रही है वी नेवर सीन द ब्लॉगर्स एज सच पिक्चर्स वगैरह उनकी नहीं नज़र आती तो मुझे ये भी था कि लोग देखे हमारे जो अच्छे ब्लॉगर्स हैं जो अच्छे ब्लॉग हैंडल कर रहे हैं वो दिखते हैं मॉर्निंग शो को होस्ट करने का सबसे मुश्किल पार्ट क्या है ड्रेसअप हाँ इतने प्यारे कपड़े तो पहने ये तो फन पार्ट नहीं है मुझे सबसे मेकअप करना तैयार होना और ये सारा मैं कोशिश करती हूँ कि दुपट्टे भी पहनूँ क्योंकि वो पसंद भी ऐसे है लेकिन ये संभालना बहुत मुश्किल होता है तो मैं अपने कपड़ों को अभी आपने क्या पहना हुआ है किसके कपड़े पहने हैं ज्वेलरी भी उन्हीं की है हाँ ज्वेलरी वगैरह सारी उनकी अच्छी है बहुत मुझे पसंद है इसके पीछे उनका थॉट भी बड़ा अच्छा है उसमें आप शो देखिएगा उसमें कि कौन ज्वेलरी बना रहा है हैंडमेड और फेवरेट पार्ट क्या है आपका Favorite part hosting a morning show connecting with the audience being able to educate them and giving them authentic information aur hamare show ka sabse bada jo hai na maqsad jo maine is tarah kaha tha ki main kisi us issue ki baat karungi jiska solution nahi present hai okay pehle issue pe baat karenge problem pe baat karenge fir uske baad solution denge whether it's medical emotional social anything otherwise main baat nahi karungi 49 to ye mujhe acha lag raha hai plus सेगमेंट्स हैं सारे बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव और लोग सीख रहे हैं और जो ये कॉमन परसेप्शन हो गया था ना चैनल्स का अरे ये तो कंटेंट कोई नहीं देखेगा अरे जब तक मॉडल्स नहीं दिखाओगे मेकअप और यहाँ वो फौज आ रही होगी मॉडल्स की और लाइव मेकअप और बाल बन रहे होंगे शादियाँ नहीं होंगी तो लोग यही देखना चाहते हैं मैंने कहा नहीं देखना चाहते तो आई वॉज एबल टू यू नो प्रूव माई पॉइंट आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स अच्छा माना सेट है हमारी हमारी व्यूअर है माना सेट आपको कह रही है यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल थैंक यू माना नादिया हमारे बहुत से इंडियन ऑडियंसेस भी है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं हाय एवरीवन कैसे हैं अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने कोई सवाल पूछा हो और उस पर आपको जवाब ही नहीं आ रहा कुछ ऐसा कभी सीन हुआ है या कभी मुश्किल में पड़ गई हूँ अच्छा पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रेलेवेंट ना हो तो आप नहीं बताते लेकिन माशाल्लाह मुझसे हमेशा लोगों ने ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मुझसे लोगों ने कभी गंदी बात फजूल चीज़ नहीं डिस्कस की अच्छा और कुछ ऑफ ट्रैक चले जाते हैं तो उनको मैं उसी वक्त ठीक कर देती हूँ कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है ऐसे नहीं आप ऐसे अच्छा और पाकिस्तान नाम पेज पर आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं कोई कह के वेलकम बैक इन मॉर्निंग शो वाचिंग मी एवरी मॉर्निंग 10 से 12 बजे वीकडेज पे यू मस्ट नादिया फ्रॉम कनाडा हेलो कह रही हैं अच्छा अलीजा को हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया आपका थैंक यू यार ये पता तब है जब लेट हो जाती हूँ ये मेरा लेट हेयर स्टाइल है क्योंकि आज मुझे फ्लू था और मैं 7:30 बजे सोई हूँ और 8:30 उठ के बैठ गया अरे मैं लेट होगी तो तब ना कि एक्सटेंशन लगाती हूँ ना कुछ बनाना क्लिप लगाया बाल यहाँ से निकाले ये टोटल 1.5 मिनट में जो है ना हेयर स्टाइल बनता है तो ये मेरा समझ जाए जिससे मैं ऐसे बाल बनाऊँ कि आज मैं लेट होगी अच्छा लेट ये कहेंगे वेलकम बैक एंड योर चेंज कॉन्सेप्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो अच्छा एक क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि पहले जो आप मॉर्निंग शो करती थी और अब जो कर रही हैं दोनों में क्या फ़र्क आपको फील हो रहा है गेस्ट में टॉपिक्स में बात करने में क्या चीज़ क्या फ़र्क है अब पता अब मुझे मैंने बीच में एक दफ़ा मॉर्निंग शो किया था कुछ महीने के लिए तब था कि कम्प्लीटली गलत हो रहा था सब और मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी और मेरा बोलने का फ्लो नहीं बन रहा था आई वॉज नॉट इन्जॉइंग क्योंकि जो मैं चीज़ करूँ मैं इसको इन्जॉय ना करूँ ओन ना करूँ तो मेरे चेहरे पर आ जाता अभी माशाल्लाह आई एम थरली इन्जॉइंग आफ्टर 9 ईयर्स और इस 9 साल में मुझे लगता है लोगों को अब हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गए हैं इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस क्या कहते हैं उसको गाइड करने वाला एडवाइस देने वाले कोई नहीं हमें कांस्टेंट ये जो 2 घंटे हैं काउंसलिंग के ये काउंसलिंग है सबके लिए कि पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव थाट्स एंड प्लस सोल्यूशंस अब प्रॉब्लम्स हमारे 9 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं औलाद के घर के फैमिली के आसपास के तो इसलिए मैं ज़्यादा जो एड्रेस कर रही हूँ मैं इन इश्यूज़ को और इन प्रॉब्लम्स को कर रही हूँ और एक तो ये कि लोग बैठ के ना थोड़ा सा जो उनका नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड और स्ट्रेसफुल लाइफ होगी वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए वी आर पब्लिक नीड्स काउंसलिंग तो ये 2 घंटे आप लोगों की अच्छी काउंसलिंग हो रही है ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम एंजॉइंग इट सो आई एम एबल टू डू व्हाट आई वाज डूइंग 9 ईयर्स बिफोर
अच्छा एक कमेंट है, प्लीज डू सम न्यू, शादियां नहीं करवाइए। अल्लाह माफी, मैं आपको लगता है कि मैं यहाँ, मेरा पीटीवी होम हम सबका एक ही स्लोगन है, नो वेडिंग्स एंड नो गोदबराइयां एंड नो लाइव हेयर स्टाइल्स एंड मेकअप। मैं तो उसके भी बिल्कुल वो नहीं करूँगी। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर हो सकती हैं, 5-10 मिनट का सेगमेंट है, पूरा पूरा शो नहीं, बारात पे होगा, पर खैर शादियाँ तो होंगी। मैं तो वैसे शादियों पर नहीं जाती, तो मैं अपने शो पर शादियां कराऊंगी। मैं तो लास्ट शादी में बचपन में गई थी। अच्छा, अपनी शादी पे नहीं। मुझे बताएं, डॉली, डॉली का जो कैरेक्टर है आपका, उसमें क्या, उसमें आने के लिए बिल्कुल आप कितनी पर्सनालिटी से कितना मैच करता है यार? बहुत क्यूट है ना। मुझे कॉमेडी का शदीद शौक था, मुझे कॉमेडी करने का मौका बहुत लेटर इन माय करियर मिला। मैं हालांकि मुझे शदीद वाला नहीं शौक होता, मैं अपने सेट में इतना खुश जाता हूँ कि बस आई लव प्लेइंग डॉली एंड डॉली इज़ मी, एंड बहुत कम्फर्टेबली मैं उसकी स्किन में आ जाती हूँ। मुझे वो इतनी प्यारी लगती है क्योंकि वो हर वक्त खुश रहती है, लोगों को खुश रखती है। मुझे रोने वाले कैरेक्टर्स नहीं पसंद, एग्जॉस्ट में डॉली। जितने आपने शोज किए हैं उस पर आपका फेवरेट गेस्ट कौन था अभी तक? यार ये गेस्ट से रिलेटेड नहीं है, इस शो का गेस्ट से कौन सा टॉपिक आपका सबसे, हम अच्छे से एक और चीज़ कर रहे हैं, हम बड़े आर्टिस्ट के इंटरव्यूज के ऊपर हम नहीं फोकस कर रहे हैं। हम फोकस कर रहे हैं ऑन आर्टिस्ट जो स्ट्रगलिंग है, जो कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं, और जो सीनियर्स हैं। हम तीन कैटेगरी को बुला चुके हैं। हमारे इस वक्त शोज़ में सिर्फ आते हैं A-list, A-list, A+list, जो उसके अलावा एक्टर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुँचे, उनको कोई नहीं अपने शोज़ पर बुलाता, और उनको बुला के इररिलेवेंट बात कर रहे होते हैं, शादी, घर में बीवी के साथ कैसे रहते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हैं, सालगिराहें मना रहे हैं, नो तो उनके बारे में कोई आप इन्फॉर्मेशन देना, उन्होंने कैसे शुरू किया, क्या स्ट्रगल किया उनकी। बट कितना मुश्किल था इस तरह के कॉन्सेप्ट को अप्रूव कराना और इम्प्लीमेंट कराना? नथिंग, मी एंड पीटीवी होम वर ऑन द सेम पेज। मुझे पहले शुरू में उन्होंने दो लिस्ट इनके पास थे और दो लिस्ट मेरे पास थी, मैं ये नहीं करूँगी, और उन्होंने मुझे कहा आप ये नहीं करेंगी, और दोनों मैच हो गई। And I was so happy कि माशाल्लाह ये ऐसा चैनल है जिसमें ना मुझे रेटिंग का प्रेशर, ना कॉन्टेंट के ऊपर, ये बस ये कि जी बी योर सेल्फ, डिसेंट, एलिगेंट, अच्छी चीज़ हो, कोई रिलीजियसली या पोलिटिकली हमें कॉन्ट्रोवर्शियल मटीरियल में नहीं जाना, जो कि मैं भी ये कहती हूँ कि दोनों चीज़ों में मेरी नॉलेज बहुत कम है, मैं नहीं बात करती हूँ। आस्किंग अबाउट योर किड्स, माशाल्लाह दे फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। अच्छा, आप जैसे आप डिजिटल शोज़ हो रहे हैं, टॉक शोज़ हो रहे हैं, समीर पर ज़्यादा भी कर रही हैं, शायद सरदी भी कर रही हैं, आपका इरादा है कोई इंटरव्यूज़? अभी तो टाइम ही नहीं है यार इंटरव्यूज़, यहाँ सारा मैंने जो चीज़ें कर ली हैं वो मुझे दोबारा करने का कोई शौक नहीं है। मैं आई एम नॉट एक्साइटेड, आई एम नॉट चैलेंज्ड। मैं जिस तरह मुझे लगता है कि इस वक्त लोगों को उनके मेंटल हेल्थ, इमोशनल इशूज़, पेरेंटिंग और जो इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं उस पर कौन बात करेगा? इंटरव्यूज़ को हमने क्या करना है देख के? तो मैं फॉर द हेक ऑफ मनी मेकिंग, रेटिंग या ये, उस पर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और मुझे लगता है कि मेरे टाइम, एनर्जी और इतने एक्सपीरियंस के बाद इंसान के एज के साथ विजडम आना चाहिए। बहुत हो गया यार इंटरव्यूज़ का आने या पिटने, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट डू समथिंग डिफरेंट। मेन मेरा यही है कि लोगों को उनकी, उनको इमोशनल और फिजिकल मेंटल हेल्थ पे काम किया जाए, इम्प्रूव की जाए। अच्छा, गेस्ट से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो सवाल जहन में आता है वो आप खुद कर लेती हैं, गुड जॉब, सबाहत कामरान कह रही हैं। क्योंकि पता वजह इसमें दो हैं, मैंने देखा है कि जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना वो अपनी तैयारी करके आए होते हैं, उनके पास 20 सवाल होते हैं, उनको वो 20 सवाल करने हैं, तो वो गेस्ट का जवाब नहीं सुनते क्योंकि उनके जहन में चल रहा था अगला, अभी मैंने ये पूछ लिया बचपन का, अगला मुझे पूछना है कॉलेज। हाँ जी, तो जैसे वो चुप हुआ गेस्ट, हाँ तो वो कॉलेज में क्या हुआ, वो सुनते ही नहीं है कि पहले सवाल का गेस्ट ने जवाब क्या दिया। मेरा जो अगला सवाल होता है वो गेस्ट के जवाब से निकलता है, और मैं इतने गौर से उनके सवाल के जवाब सुन रही होती हूँ कि मैं उनको रोक लेती हूँ, नहीं 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 क्या मतलब, नहीं इसका क्या मतलब, अच्छा बात कम्प्लीट करो, बिकॉज आई एम लिसनिंग। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे होस्ट जो हैं वो सुन ही नहीं रहे होते हैं कि उनका गेस्ट अभी क्या जवाब दे रहा है उनके सवाल को, और मैं ऐसे सवाल बहुत सारे प्रिपेयर नहीं करती, 2-3 चीज़ें मेरे जहन में होती हैं, बाकी जो सवाल शो निकलता है वो उनके जवाब से आगे निकलता है। एनी मैसेज फॉर फैंस? प्लीज़ डू वॉच माई मॉर्निंग शो, और मैंने उसकी प्रमोशन या अभी मैंने कहा 1 महीने बाद हम उसके बारे में बात करें, तब तक हमारा कंटेंट भी सेटल हो चुका होगा, एक रवानी आ जाती है, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँगी, क्योंकि देर से बात शो करी थी, आई वाज रियली स्केयर्ड और मुझे बड़ी एंजाइटी हो रही थी कैसे होगा, मैं बोल पाऊँगी या नहीं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, इतना बोलना, इतने जुमले रवानी से बोलना और सही तरीके से बोलना,
बहुत मुश्किल होता है, और ये आपको जब आप कंफर्टेबल होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कंटेंट में, तभी हो सकता है। मैं कोई भी चीज़ जो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं रवानी से बोल नहीं सकती। तो नाउ आई एम वेरी वेल एडजस्टेड अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैंने कहा उस पर बात की जाए। तो आप ज़रूर शो देखें और आप बहुत सीखेंगे। ओके नारी, आर यू एडिंग समथिंग एक्स्ट्रा कंटेंट वाइज, लाइक समथिंग एडिशनल वैल्यू टू योर मॉर्निंग शो? एडिशनल वैल्यू मतलब मींस कुछ सेगमेंट, कुछ नहीं सेगमेंट क्या है कि इसमें एक मैगजीन फॉर्मेट है, हम फिल्म्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं, हम मेडिकल इश्यूज पे भी बात करते हैं, बच्चों की हेल्थ, बड़ों की हेल्थ, वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, अ लिटिल बिट समटाइम्स मेकअप वगैरह ऑल्सो भी हम बात कर लेते हैं, और सोशल इशूज़ साथ ब्लॉगर्स और इस पर बात की, सोशल मीडिया पर हम बहुत चीज़ें बात करते हैं, बट उसी पर बात करते हैं जिसका मैं कोई सोल्यूशन साथ में प्रेजेंट कर सकूँ। बट बात इस तरह करते हैं कि लोगों को वैसे अच्छा लगे, है ना, आपका आपका मूड अच्छा हो जाए, आप पॉजिटिव फील करें, नहीं यार अच्छा है। फैमिली इश्यूज पे बहुत बात करते हैं, तो एवरीथिंग आई थिंक ऑलरेडी माशाल्लाह उसमें वो सब कुछ है। जो मजीद टॉपिक्स और चीज़ें हैं वो आपकी तरफ से आएंगी कि नादिया से भी बात करो, और मेरी इंस्टा अकाउंट आउटस्टाइल विद नादिया पे मुझे लोग देखा, प्लीज़ डू लेट मी नो एनी सजेशंस। आउटस्टाइल विद नादिया इज माई इंस्टा अकाउंट, आप उसको फॉलो भी करें, थैंक यू। और साथ में क्या मैं कह रही थी, मुझे क्योंकि रियल फॉलोअर्स चाहिए, तो 1 मिलियन से 2 मिलियन असली असली उसको बनाएं, और ये कि उसमें मुझे प्लीज़ इनबॉक्स करें सजेशन, नादिया इस पर बात करो, उस बारे में बात करो, या अगर आप शो पे आना चाहते हैं एज एन एक्सपर्ट, या कोई स्टोरी अपनी शेयर करना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं। नादिया 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनबॉक्स पे तो कितने हज़ारों मैसेजेस आते होंगे, आने दो, यू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम? क्या करती हैं आप? आई डू, वो मुझे थोड़ा सा पकड़ जाता है, सबसे जहर लगता है, आर यू अवेलेबल टू चैट? आई एम नेवर अवेलेबल टू चैट, आई हैव नो टाइम। तो यही सबसे उठपटांग मैसेज आता है, और तो कोई नहीं इतना बुरा, लेकिन मेन यही था, आर यू अवेलेबल, आर यू विलिंग, आर यू अवेलेबल टू चैट? नो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू नादिया।